कि लीला देखने में सरलता होगी। और देखे इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय श्री धर्मपाल जी डॉक्टर साहब जी, इनके द्वारा भी 51 मुद्राएं भगवान की मंगल आरती में प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। लीजिए, मंगल की कामना करते हुए जिनका भगवान का आचरण ही मंगल है, ऐसे परमपिता परमात्मा की जो पावन लीला आप लोग देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्हीं के नाम का ये सुंदर हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा ये मंगलाचरण की प्रस्तुत और सुंदर भगवान का पावन दरबार और भगवान के द्वारा संध्या उपासना। देखिए पहली चौपाई आज की, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और बाबा के ही 60,000 शिष्य। बाबा विश्वामित्र के कुल शिष्य हैं 88,000, लेकिन मिथिला धनुष यज्ञ में 60,000 शिष्य आए हैं। सुंदर सदन में बाबा विश्वामित्र जी ठहरे हैं। आज पहले भोजन किया, यद्यपि भोजन के प्रकार बहुत हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन का जो सर्वोत्तम समय है, यानी हमें आपको भोजन कब करना चाहिए, तो भोजन का भी एक समय बताया गया। भगवान सूर्य अस्त ना होने पाए, व्यक्ति का भोजन हो जाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं और यही आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले जो लोग भोजन कर लेते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते, पेट के विकार नहीं होते। और ये तो संतों के भोजन करने का सर्वोत्तम समय है, सूर्यास्त के पहले संत लोग भोजन कर लेते हैं, ये सर्वोत्तम समय है। बाबा विश्वामित्र जी कोई साधारण मुनि नहीं है, बाबा विश्वामित्र से बड़ा कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। और ये जो भी श्री राम जी सरकार की आरती चल रही थी, बड़े वैज्ञानिक हैं। एक बार ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए तो द्वितीय सृष्टि की रचना कर डाली, दूसरा संसार बना दिया जिसका नाम जरायुज पड़ा। इतने बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो बाबा ने मच्छर तैयार किए, झींगुर, किचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा, ज्वार, बाजरा, ये सब बाबा विश्वामित्र ने ही तैयार किए। अब इतने बड़े मुनि के साथ में राम जी लक्ष्मण जी हैं। आज भोजन, और भोजन के बाद एक कथा सुनाई बाबा ने, पौराणिक कथा। लेकिन कथा को सुनते सुनते और कथा को कहते कहते संध्या देवी की वंदना करने का समय कब हो गया ये नहीं समझ पाए। अब यही मूल प्रसंग है और इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भजन करना बहुत जरूरी है। मरने के बाद व्यक्ति के साथ में कुछ जाता नहीं है, और अगर जाता है तो केवल आपके कर्म जाते हैं। जो आपने भजन किया है, जो आपने पुण्य किया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, बस यही साथ में जाते हैं। और आपके कर्मों के आधार से ही व्यक्ति का भाग बनता है, बदलता है। अगर पूछा जाए कि कर्म बड़ा है कि भाग्य, तो मित्रों कर्म ही बड़ा है, क्योंकि भाग्य कर्म के आधार पर ही होता है। तो मूल प्रसंग है, विगत दिवस गुरु आयुष पाई और संध्या करण चले दो भाई। संध्या सभी को करना चाहिए। जिस संध्या को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, बाबा विश्वामित्र जी और भैया लक्ष्मण करते हैं, ऐसी संध्या में कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्यों ना हम आप लोग भी आज से संध्या वंदन किया करें।
भगवान का भजन करें, यही मूल प्रसंग है। क्योंकि मानस हमको सब कुछ सिखाती है। मानस ये रामायण और रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है, मंत्र नहीं महामंत्र। और जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। आसी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी। पानी देखिए दिन में भी यहां बरसता है और रात्रि में भी। कौन पानी? ज्ञान गंगा का पानी। आसी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है। भोजन मुनिवर विज्ञानी, भोजन का बहुत ही महत्व तो दिया गया है जीवन में। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है और जब समझदार होता है तो सर्वप्रथम उसको भोजन की ही चिंता रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन से यह शरीर बलवान होता है, पुष्ट होता है। और जब शरीर ये पुष्ट हो जाएगा तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो वो व्यक्ति ये सोच लेता है कि उस काम को मैं सहज रूप में ही पूरा कर लूंगा। लेकिन ये केवल मात्र उसका सोचना रहता है, ऐसा हो नहीं पाता। आपने देखा होगा कि व्यक्ति सोचता तो है कि मैं अमुक कार्य को पूरा कर लूंगा लेकिन उसको अधूरे कार्य में ही मुख को मोड़ना पड़ता है, मार्ग बदलना पड़ता है। उसका कारण कि शरीर तो हमारा लगा हुआ है काम में, शरीर को तो हमने
भोजन के माध्यम से बलवान बना लिया है, लेकिन हमारा मन बलवान नहीं है, मन नहीं लगा काम में। और जब तक मन काम में लगेगा नहीं तो शरीर चाहे जितना लगा रहे काम पूरा होने वाला नहीं है। तो मन कैसे काम में लगेगा? जब मन को बलवान बनाएंगे। मन कैसे बलवान बनेगा? मन बनेगा भजन के माध्यम से। अगर हम भजन करेंगे तो निश्चित है कि जिस प्रकार से भोजन के द्वारा ये हमारा शरीर बलवान हुआ है, उसी प्रकार से भजन के माध्यम से ये मन भी हमारा बलवान हो जाएगा। और जब दोनों बलवान हो जाएंगे तो फिर चाहे जितना बड़ा कार्य हो, चाहे वो भौतिक ऊंचाइयां हो और चाहे वो परमार्थ की प्राप्ति हो, दोनों सहज रूप में ही वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका तन और मन दोनों लगे हुए हैं। लेकिन भजन और भोजन में थोड़ा अंतर है, उसको समझना भी पड़ेगा। भोजन में एक मात्रा लगी हुई है भास शब्द में, और उस मात्रा को ओ की मात्रा लगी है, और उस मात्रा को यदि हटा दिया जाए तो वही भोजन भजन बन जाता है। तो ये जो मात्रा है, ये मात्रा समाज में एक संदेश देती है कि भोजन तो करो लेकिन एक मात्रा के अनुसार करो। अगर मात्रा के अनुसार भोजन नहीं करोगे, जैसे ये करते हैं, तो ये रोगी बन जाते हैं। यानी शरीर जो अनुकूल बनना चाहिए वो प्रतिकूल बन जाएगा। जो हमें काम करना चाहिए कि हम उस काम को कर लेंगे, लेकिन फिर वो कारण की रोग से ग्रसित तो हो जाएगा। तो ये मात्रा ये संकेत देती है कि भोजन मात्रा के अनुसार लो, ज्यादा नहीं कि ज्यादा खा लिया जाए तो हम पहलवान बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हानिकारक हो जाएगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। विचार करिए, भजन में कोई मात्रा नहीं है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, चाहे जहां पर हो, चाहे भाव कुभाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो ये भोजन और भजन का बड़ा महत्व है। करी भोजन मुनवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम संतों का यदि सानिध्य आप लोग करेंगे तो उनके पास कथा मिलेगी। आप संतों के पास जाए, यहाँ पर भी संत समागम होता है, तो यहाँ आप लोग व्यथा ना सुनेंगे, कथा मिलेगी। और व्यथा यदि सुननी हो तो आपस में जो माया में पड़े हुए हैं तो अपनी अपनी व्यथा बताएंगे कि हमको ये कष्ट है, हमको ये कष्ट है। और ये व्यथा बताने से ये व्यथा का हल नहीं निकलता, व्यथा बताने से और भी व्यथा में व्यक्ति पड़ता है। और ये जो 84 लाख योनियां है, ये जन्म कर्म के बंधन से वो छूट नहीं पाता है। और जो कथा है, संतों का यदि सानिध्य प्राप्त होगा तो कथा ये भाव सागर से पार करने का मार्ग बतलाती है, आपका उद्धार करती है, आपका तरण करती है। तो ये कथा हमेशा संतों के पास जाकर के सुनना चाहिए। अब रही बात, ये अलार्म बज गया, अब संध्या संध्या करण चले तो भाई ये संध्या है क्या? संधि शब्द का ही नाम संध्या है, जहां पर दो वस्तुओं की संधि हो जाए। जैसे दिन और रात्रि का मिलन हो जाए वो संध्या है। जैसे कि हमने अपने आप को भगवान के प्रति कुछ क्षण के लिए समर्पण कर दिया वो संध्या है। संध्या अर्थात भजन, जितने क्षण के लिए हमने अपने आप को भगवान के प्रति, जिसके प्रति समर्पण भाव कर दिया, वही हमारा भजन संध्या बन जाया करता है। अस्तु, ये पावन समय है तो लाल तुमहू करिए, हम करते हैं, क्योंकि ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। ये पावन जुग चल आई है, ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भव सागर से यदि तरना है
तो हरि सुमरन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। मैया पार्वती से आचार्य शंकर को भी कहना पड़ा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना अस्तु जाए। और जाकर के दोनों लाल संध्या उपासना करो, यही मेरा आदेश। ऐसे